हेलो फ्रेंड्स, लॉ प्लस बाय एडवोकेट तनिषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी में आज आप लोगों के लिए एक और छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। जानकारी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है मेरी छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ इंडियन पीनल कोड IPC का चैप्टर 20A सेक्शन 498A जो कि 25 दिसंबर 1983 को ऐड किया गया था। ये ऐड इसीलिए किया गया था क्योंकि शुरू से ही शादी के टाइम पर लड़के वालों को दहेज देना पड़ता है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने इतना दहेज इनको दिया था तो ये दहेज शब्द ही अपने आप में एक अपराध है। तो इस अपराध को रोकने के लिए हमारी सरकार ने इंडियन पीनल कोड में चैप्टर 20A सेक्शन 498A 25 दिसंबर 1983 को ऐड किया, जिसमें किसी के पति द्वारा या पति के नातेदार द्वारा क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड किसी की वाइफ को परेशान किया जाता है, मारा पीटा जाता है, धमकियां दी जाती हैं। वो परेशानी किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी भी लेवल तक जा सकती है। वो परेशानी मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके की परेशानी हो सकती है, मेंटली और फिजिकली। तो अगर पति या पति के रिश्तेदार अपनी पत्नी को परेशान करते हैं कि वो दहेज लेकर आए, दहेज किसी भी तरीके का हो सकता है, दहेज में वो बाइक मांगता है, कार मांगता है, गोल्ड मांगता है, ज़मीन मांगता है, पैसा मांगता है, या अपने सास ससुर से बिजनेस खुलवाने के लिए अपनी वाइफ को बोलता है कि तू अपने माँ बाप के लिए के यहाँ से पैसा लेके आ क्योंकि मुझे बिजनेस खोलना है, तो दहेज की और परेशान करने की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी है। वो परेशानी किसी भी लेवल तक पहुंच सकती है। तो इन सारी चीज़ों को, महिलाओं को उत्पीड़न किया गया, स्त्री उत्पीड़न को रोकने के लिए ये चैप्टर ऐड किया गया सरकार द्वारा हमारे इंडियन पीनल कोड में, जिसमें ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सज़ा और फाइन का पनिशमेंट दिया जाता है। या तो उसे 3 साल की सज़ा होगी और उसे कंपेंसेशन भी देना, पैसा भी देना पड़ेगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन ये सारी चीज़ें किताब में लिखकर एक बुक में लिखने के बाद ख़त्म नहीं होती। आज भी दहेज इतना ज़्यादा फेमस वर्ड बन गया है कि अगर किसी की शादी में दहेज नहीं दिया जाता, 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख, इसकी भी कोई अंत नहीं है। दहेज 1 रुपए से लेके अनलिमिटेड हो सकता है। दहेज शब्द ही अपने आप में एक अपराध है। तो आज भी इस अपराध को ना रोका नहीं गया है। चाहे कोई व्यक्ति पुअर फैमिली से हो, चाहे वो व्यक्ति रिच फैमिली से हो, या वो ओवर रिच फैमिली से हो, प्रॉब्लम इस बात में है कि पढ़े लिखे लोग भी और जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो भी, मतलब पैसे वाले लोग ही ज़्यादा दहेज लेते हैं। दुख इस बात का होता है कि पढ़े लिखे जब हम जैसे स्टूडेंट दहेज दिलवाते हैं अपने पेरेंट्स से, या फिर लड़का ये कंडीशन रख देता है कि मैं इस पद पर आ गया हूँ, मेरी सरकारी जॉब लग गई है, या मैं इतना बड़ा बिजनेस करता हूँ, या मैं इतनी बड़ी प्राइवेट नौकरी करता हूँ, इसीलिए मुझे इतना पैसा चाहिए, हम जैसे लोग भी अगर दहेज को प्रमोट करते हैं तो ये एक बहुत हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को पीछे पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान सा चल रहा है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा चल रहा हो या वो हम बच्चों के द्वारा चल रहा हो, पेरेंट्स तो इसे ख़त्म नहीं कर सकते। ये मेरी उम्र के हर व्यक्ति से, हर बच्चे से अपील है कि वो दहेज अपने परिवार वालों से दिलवाना और लेना दोनों बंद करवाएं। ये स्त्री उत्पीड़न तभी बंद होगा। आज भी महिलाओं को दहेज की वजह से जला दिया जाता है, फांसी से लटका दिया जाता है, उसको उसके घर से, उसके ससुराल से भगा दिया जाता है। शादी से पहले बोलते हैं कि तेरा ससुराल ही तेरा घर होगा, शादी के बाद उसको ये कह के भगा दिया जाता है कि तू मायके की है, तू तो इस घर की बहू है बस। मतलब एक स्त्री करे तो करे क्या, करेगी? अगर हम जैसे लोग हिंदुस्तान को बदलेंगे तो स्त्री आगे बढ़ रही हैं
और आगे और भी बढ़ेंगी। लेकिन बढ़ने का कारण सिर्फ आईएएस बनना या स्विमिंग करके बहुत बड़ा अवार्ड लेना या हीरोइन बनके बहुत बड़ा अवार्ड लेना या आर्मी में अपने आप को आर्मी में जॉब करके अवार्ड लेना से कुछ नहीं हो रहा। हमें ये दहेज प्रथा भी बंद करनी पड़ेगी। ये दहेज प्रथा बंद हम आप मिलकर कर सकते हैं। कोई लड़का डीएम, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस, जज, सरकारी ऑफिसर बन जाता है, वो उसके अंदर इतनी अकड़ आ जाती है कि उसके घर वालों के अंदर भी इतनी अकड़ नहीं आती कि अब मेरी शादी में इतना पैसा लगना चाहिए, इतना कैश आना चाहिए। अगर वो लड़के कैश पैसा लेने की जगह, दहेज की जगह एक पढ़ी लिखी लड़की की डिमांड करने लगे ना, तो हमारा हिंदुस्तान, एक जो डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ही जल्दी डेवलप्ड कंट्री में बदल जाएगा। तो मेरी आप सबसे अपील है, आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस दहेज प्रथा को मेरे साथ साथ आप लोग भी ख़त्म करने के लिए प्रमोट करें। और सेक्शन 498A, क्रुअल्टी और क्रुअल्टी बाय हस्बैंड और बाय द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड है, जिसमें अगर पति ऐसा करता है या पति के रिश्तेदार, रिश्तेदार हो सकते हैं नंद, देवर, सास ससुर के भाई बहन, ये सब रिलेटिव्स में आते हैं। ये सब कोई भी परेशान करते हैं किसी महिला को दहेज के लिए, तो उन्हें 3 साल की सजा होगी और उन्हें फाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड। थैंक यू।